हेलो फ्रेंड्स नमस्ते चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इरिथ्रोपोइस यानी आर के प्रोडक्शन को अफ़ेक्ट करते हैं तो पहली बात तो ये देखिए कि आर का जो काउंट होता है वो चार से पाँच मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है तो इसको इसी रेंज में मेंटेन रखना होता है बॉडी को जिससे कि आर अपना काम सही से कर पाए जिससे कि ऑक्सीजन की डिलीवरी हर जगह हर टिश्यूज़ में प्रॉपरली हो पाए तो इसको करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ये मेंटेन रखते हैं आर काउंट को अच्छा जो अब आर की स्टेजेस हैं जो आर प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं वो हमने एक और वीडियो में देखे हैं उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है आप उसको चेक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम बस इसको शॉर्ट में देखेंगे तो ये जो फैक्टर्स हैं जो आरब को रेगुलेट करते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे एक्ट करते हैं पहली बात तो आप देखिए कि आर बनने के लिए प्रोजेनाइटर सेल से ब्लास्ट सेल बनने चाहिए और अल्टीमेटली ब्लास्ट सेल मैच्योर होने चाहिए और उसमें हीमोग्लोबिन ऐड हो जाना चाहिए जिससे कि आर प्रोड्यूस हों तो देखते हैं ये फैक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं अच्छा एक लॉजिक की बात है कि अगर आर का नंबर आपको मेंटेन रखना है बॉडी को क्या सेंस करना चाहिए आर नंबर कि उसका वो, काम वो सही से कर पा रहा है कि नहीं कि मतलब ऑक्सीजन सप्लाई सही से हो रही है कि नहीं तो हर जगह आप बॉडी में देखिए कि एक्चुअली जो फंक्शन है वो हमेशा सेंस होता है कि जो सिस्टम का फंक्शन है वो सही से पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो है सेंस कर ली जाती है और ये कौन सेंस करता है कि किडनी में सेंस होती है किडनी में कुछ सेल्स होते हैं कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल सेल्स तो वो सेंस करते हैं और वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं हम लोग इरिथ्रोपोइटिन और इस इरिथ्रोपोइटिन की वजह से आरबीसी प्रोडक्शन स्टूमुलेट हो जाता है तो आरबीसी इंक्रीज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं इरिथ्रोपोइटिन बेसिकली क्या करता है इस स्टेज पे काम करता है प्रोजेनाइटर सेल्स की स्टेज पे काम करता है और जिससे कि एरिथ्रोपोइटिन की, की वजह से ये ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जिसकी वजह से ब्लास्ट सेल्स बनते हैं तो इथ्रोपोयटिन इस स्टेज पे काम करता है आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और जिसकी वजह से देखिए ऑक्सीजन सप्लाई वापस से मेंटेन हो जाती है ठीक है लेकिन कभी कभी ये जो है ये किसी और चीज़ के लिए भी देखिए काम आ जाता है कि अगर आप देखें कि हाई ऑल्टीट्यूड में क्या कंडीशन होती है हाई ऑल्टीट्यूड में आर का नंबर नॉर्मल है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई फिर भी इफ़ेक्ट हो जाती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम है तो इसमें भी किडनी हमारी ई प्रोड्यूस करती है और आर प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है तो हाई ऑल्टीट्यूड में हमें इसीलिए फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मिल जाता है तो आप देख रहे हैं कि नंबर नहीं सेंस हो रहा है ऑक्सीजन सप्लाई सेंस हो रही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी और इफ़ेक्टिवली काम कर पा रही है चलिए अब आगे देखिए और कौन से फैक्टर्स हैं तो हमने बात की थी कि ब्लास्ट सेल्स को आर में मेच्योर होना है और हीमोग्लोबिन उसमें इनकॉपरेट होना है तो उसके लिए कुछ रॉ मटीरियल्स लगते हैं मतलब अगर ये रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो हमारे ब्लास्ट सेल्स मेच्योर नहीं हो पाएंगे हीमोग्लोबिन उसमें नहीं जा पाएगा और आर नहीं बन पाएंगे तो पहले हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं तो हीमोग्लोबिन में देखिए दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं हीम और ग्लोबिन तो दोनों को सिंथेसाइज होना पड़ेगा अब हीम जो है बेसिकली वहाँ पे एक ऑर्गेनिक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोपोरफायरिन इस प्रोटोपरफरिन में आयरन स्टेट में होता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आयरन से ऑक्सीजन बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका मतलब है कि आयरन अगर नहीं है बॉडी में आयरन की अगर कमी है तो हीम नहीं बन पाएगा तो एक पहला जो रॉ मटेरियल हो गया हमने उसकी बात करी वो है आयरन दूसरी चीज़ है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन भी होना चाहिए वो भी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में सिंथेसाइज होना चाहिए तो ग्लोबिन क्या है ग्लोबिन एक प्रोटीन है तो इसके लिए प्रोटीन के लिए हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है तो अमीनो एसिड्स की जब कमी हो जाए बॉडी में जैसे कि मेल न्यूट्रिशन में तो भी हमारा हीमोग्लोबिन सही से ही सिंथेसाइज नहीं होगा अनिमिया हो जाएगा मैल न्यूट्रिशन में अनिमिया होता है क्योंकि ग्लोबिन कॉम्पोनेंट हीमोग्लोबिन का सिंथेसाइज नहीं हो पाता है तो ये एक दूसरा रॉ मटीरियल हो गया अब देखिए तीसरा रॉ मटीरियल जो हमें चाहिए वो एक इस मैच्योरेशन के लिए चाहिए इसके मैचोरेशन के लिए जो हमें लगता है बेसिकली न्यूक्लियस को मैच्योर होना पड़ता है उसको कहते हैं डीएनए सिंथेसिस होना चाहिए तो इसके लिए हमें लगता है विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो अगर ये नहीं होते हैं ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो सेल तो बड़ा होता रहेगा साइटोप्लाज्म बड़ा होता रहेगा लेकिन डीएनए एन मेच्योर नहीं होगा जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी तो इसी की वजह से जब विटामिन बी की कमी होती है तो हमें ब्लास्ट सेल्स मिलते हैं आरबीसी की कमी हो जाएगी हमें ब्लास्ट सेल्स मिलेंगे हमें बड़े बड़े सेल मिलेंगे जो कि जिनका डीएनए एन मेच्योर नहीं है डिवाइड नहीं हो पाए हैं तो ये एक और रॉ मटेरियल्स हो गए हमारे विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड अब ये जो है मेजर रॉ मटेरियल्स हैं इसके अलावा कुछ हमें साइड के रॉ मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं जो इनका काम करने में मदद करते हैं जैसे कि आयरन के एब्जॉर्पन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए होता है अगर विटामिन सी की कमी हो तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता दूसरी चीज़ हमें कॉपर की भी ज़रूरत पड़ती है कॉपर क्या है कॉपर जो है आयरन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराता है और ये जो हमारे ब्लास्ट सेल्स हैं कॉपर की वजह से ही आयरन को अपने अंदर ले पाते हैं तो ट्रांसपोर्ट कराने में, में मदद करता है और अपटेक बाय इरिथ्रोब्लास्ट वो अंदर अपने अंदर ले पाए इरिथ्रोब्लास्ट उसकी भी मदद करता है फिर हमें कोबोल्ट की ज़रूरत पड़ती है कोबॉल्ट एक मिनरल है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है ये कोबॉल्ट जो होता है ये साइनोकोबैलामिन जो कि एक्टिव कंपोनेंट है विटामिन बी ट्वेल्व का उसके लिए कोफैक्टर जैसे यूज़ होता है तो साइनोकोबेलमीन के लिए यूज़ होता है तो ये हमारे कुछ सब्सिडरी रॉ मटेरियल्स हो गए अब इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स भी हैं जो कि इर्थ्रोपोइस को अफेक्ट करते हैं तो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये हैं बेसिकली टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हॉर्मोन है ईस्ट्रोजेन जो कि एक फीमेल हॉर्मोन है फिर थायरॉइड हॉर्मोन है और उसके अलावा एक ग्रोथ हॉर्मोन है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये इरिथ्रोपोइसिस को बढ़ाता है इंक्रीज करता है एरेथ्रोपोइसिस कैसे करता है बेसिकली ये इरेथ्रोपोइटिन ज़्यादा सिक्रिएट करवाने लगता है तो सेम ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है तो ज़्यादा एरेथ्रोपोइटिन बनता है तो इसकी वजह से इरेथ्रोपोइसिस टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है ईस्ट्रोजन क्या करता है ईस्ट्रोजन जो है इनिबिट करता है एरिथ्रोपोइसिस यानी कम करता है एरिथ्रोपोइसिस कैसे ये जो है ना ब्लास्ट सेल्स का सर्वाइवल ही कम कर देता है तो वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते हैं तो उसका सर्वाइवल अगर इनका कम हो जाएगा तो आर बी सी कम प्रोड्यूस होंगे तो ईस्ट्रोजन डिक्रीज करता है एरिथ्रोपोइसिस और ये जो हमारे बाकी हारमोन्स हैं थाइरॉयड और ग्रोथ हारमोन ये बेसिकली क्या करते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं बॉडी में तो जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होगा तो हमारा ये जो साइकिल जो हमने देखा था इसी साइकिल के वजह से इरथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा और आरबीसी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये जो दो हॉर्मोन्स थायरॉड हार्मोन ग्रोथ हार्मोन भी एरथ्रोपोइसिस स्टमुलेट कराते हैं तो एक ही हार्मोन हमने देखा इस्ट्रोजन जो कि एरथ्रोपोइसिस को इनहिबिट करता है बाकी टेस्टोस्ट्रॉन्ग ग्रोथ हार्मोन और थायरॉय हार्मोन इंक्रीज़ करते हैं बढ़ाते हैं एरथ्रोपोइसिस को अच्छा तो अब थोड़ा समरी देख लिया जाए हमने क्या देखा तो हमने देखा जो फैक्टर्स एथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करते हैं एक तो इरिथ्रोपोइटिन मेन प्रोटीन जिसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस होता है फिर हमने देखा कि कुछ रॉ मटेरियल्स हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बनता है उसको कहते हैं आयरन फिर अमीनो एसिड है फिर आयरन ऑब्जॉर्बशन के लिए विटामिन सी है आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉपर है फिर डीएनए एन मेचोरेशन के लिए हमने देखा विटामिन बी ट्वेल्व है फोलिक एसिड है और विटामिन बी ट्वेल्व अपना ठीक से काम कर पाए उसके लिए को फैक्टर है जो कि है कोबॉल्ट फिर तीसरी चीज़ हमने देखी कि कुछ हॉर्मोन्स हैं और हॉर्मोन्स वो कौन कौन से हैं वो हॉर्मोन्स हैं टेस्टोस्टर इस्ट्रोजन थाइरॉयड हॉर्मोन और ग्रोथ हार्मोन चलिए दोस्तों तो ये बात थी कि कौन से फैक्टर्स इथ्रोपोइस को इफ़ेक्ट करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें दूसरों से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सो मच